लो जी, एक हाथ से मेरा फोन भी है और एक हाथ से जरा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखो जी, आज राजा भी बैठा हुआ है जी, साथ साथ खाना खा रहे हैं। और रानी की अब पहले से जो है सेहत ठीक हो चुकी है, पहले बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। ये देख सकते हैं आप, ये लो जी आ गया है जी, नीचे आ गया। ये देखो, ये जो हमारी मुर्गियां हैं और अंडे देने में बहुत ज्यादा इनकी जो है, बोला जाता है कि काफी ज्यादा अंडे देने वाली ये ब्रीड होती है। तो चारों मुर्गियों में अब पता नहीं लग पाता कौन सी छोटी थी और कौन सी बड़ी थी दोस्तों। तो हाँ जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं जी हमारे कबूतर सारे के सारे मैंने बाहर खोल रखे हैं जी, और बढ़िया मजे से घूम फिर रहे हैं, दाना वगैरह इन्होंने खा लिया है। और यहाँ पे है जी हमारा बैंटम का पेयर, ये देख सकते हैं जी चारों तरफ घूम रहे हैं, और ये भी मैंने खोल रखे हैं जी। जो ये बंद रहते हैं शाम के वक्त, आज जो है जी इनको खोला, और ज़्यादातर जब ये सारे बंद कर देता हूँ मैं, और छोटी सा ना कुछ यहाँ पे बंद है, कुछ यहाँ पर बंद है, और मुर्गा भी जी बीच में ही है, सील का जो है वो भी मैंने अभी बंद किया तो वो भी बीच में ही चला गया इनके। और मोरनी जी हमारी, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, मोरनी को भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी शाम के वक्त। ये देखो जी, तो मोरनी उठ नहीं रही है, खाना वगैरह पानी मैंने यहीं रख दिया था इसके पास, और ये इसी तरह से कर रही है जी। मोरनी को भी हम कुड़ुक बिठाएंगे जी, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं बताऊंगा। अब टाइम आ चुका है जी, फाइनली हमारी मुर्गी जो है लगभग अब नहीं उठ रही है, तो अब ये पूरी तरह से कुड़क हो चुकी है। तो दोस्तों मैं कर रहा था जी साफ सफाई कबूतरों वाले केज में, और बच्चा ऊपर जाके बैठ गया जी। वो देखो कबूतर हमारा जो अपने वाले बच्चे है, ये उड़ता है जी, इसके पर नहीं मैंने कट किए हुए, और ये बच्चा उड़ता है दीवारों पे बैठ जाता है, बाकी सारे के सारे नीचे घूम रहे हैं जी। तो ये वाला केज मैंने कर दिया जी साफ, और बारी आ गई है जी सेंटिनेंट वालों की, तो यहाँ पे भी मैं साफ सफाई कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ ब्लॉक भी कर लिया जाए। तो काफी ज्यादा गंदगी हो गई थी जी यहाँ पे इनके वाले केज में, तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये सारी जितने भी है इनकी जो बीट वगैरह काफी कर दी थी यहाँ पे इन्होंने, तो ये साफ सफाई कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और ये कबूतर सारे बाहर छोड़ रखे हैं, बच्चा बार बार उड़ रहा है इधर उधर, कहीं ऊपर ही ना चला जाए मेरे को ऐसा लग रहा है, उड़ के वापस उड़ रहा है, फिर नीचे बैठ रहा है और फिर दोबारा उड़ रहा है। ये देखो आने की नीचे कोशिश कर रहा है, और वो देखो जी सेंटीनेट गुटक रहा है हमारा, कितना प्यारा लग रहा है वो देखो। आज बाहर इनको देख कर बड़ा मजा आता है खुले में, ये देख सकते हैं जी, तो थोड़े शर्माते ज़्यादा हैं ये, तब इसी वजह से जो है तो रेयर ही होता है जी इनको देखना जो होता है। बाकी सभी ने खाना वगैरह खा चुके हैं जी, बैंटम का पेयर भी हमारा जो है बढ़िया अपना घूम फिर रहा है, तो ये बच्चा बार बार ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है जी। ये देख सकते हैं आप, ये लो जी आ गया है जी, नीचे आ गया। ये देखो, तो इस बच्चे पे भरोसा है जी, उड़ता है वापस आ जाता है, और कई बार ये हाथ पे भी बैठ जाता है और कंधे पर भी बैठ जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो बाकी ये जी हम इनको आपको दिखाना था, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर मैं सुबह व्लॉग करता हूँ तो ये बंद होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको जो है अपने कबूतरों से और बैंटम पेयर को खोल कर दिखाया जाए व्लॉग में। तो ये देख सकते हैं जी, तो मुर्गी ने फिलहाल अंडा वगैरह नहीं दिया जी हमारी बैंटम ने, तो अभी पता नहीं लग रहा है दोस्तों, ना ही ये कुड़ुक हुई और ना ही अभी ये फिलहाल अंडे दे रही है। और मैट देखेंगे आप, ये जो डाला हुआ है गलीचा इस पे, ये गीला है जी, और इसकी वजह से जो है प्रॉपर यहाँ पे है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है हमारे सारे बर्ड्स को। और मुर्गी भी आप देखो जी नीचे आराम से हमारी बैठी हुई है, और देखो जी कबूतर भी आपस में लड़ रहे हैं। अभी ये वाला बच्चा जो है फीमेल को जो है भगा रहा था, तभी मेल बीच में आ गया और इसने इसको मार के भगाया, तोड़ा दिया मतलब। तो सारे के सारे जी एक दूसरे को ये लड़ते झगड़ते तो जरूर रहते हैं। और ये देखो जी मुर्गी हमारी ब्लैक ब्यूटी बाहर घूम रही है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और हाँ जी दोस्तों, फिलहाल जो है इसमें मिट्टी थी और रखी हुई अपने जो नेस्ट बॉक्स बना रखा है इनका, तो इसको साफ कर दिया, और इसमें कुछ पत्थर आ चुके थे ऊपर की तरफ, वो भी साफ कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पूरा प्रॉपर दोनों के दोनों हमारे कबूतरों के केजेस अच्छे से साफ कर दिए हैं मैंने। तो हाँ जी फ्रेंड्स, छत से आ गया हूँ ऊपर से मैं नीचे, और रानी एंड फैमिली को दे दिए जी पत्ते, पालक है, मूली के पत्ते हैं, और बड़े शौक से खाते हैं जी, सारा कुछ इनके पास रखा होता है तो बड़े मजे लेकर खा रहे हैं। लो जी देखो जी रानी को, और रानी की अब पहले से जो है सेहत ठीक हो चुकी है, पहले बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, अब जो है अच्छे से खा पी के बिल्कुल सेट हो गई है जी और हेल्दी है। सारे बच्चे भी ठीक ठाक हैं जी, पाँचों के पाँचों आप बच्चे देख सकते हैं जी। तो इनकी अपडेट देनी भी आप लोगों को ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हीं से मिला पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बर्ड्स को तो मैं अपने दिखाई देता हूँ ऊपर जाकर, और इनको भी मैंने सोचा क्यों ना आज आपको दिखा दिया जाए। तो ये है जी हमारे सारे नन्हे मुन्ने खाना खा रहे हैं जी, लो जी देख सकते हैं जी, ये देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं जी खाना खाते हुए। ये देखो जी,
ये देखो जब मुंह चला रहे हैं सारे के सारे, और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं, आप लोगों के पास भी रैबिट्स हैं तो जरूर कमेंट करके बताना, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हमारे सब्सक्राइबर्स हैं किस किस के पास रैबिट्स हैं तो वो जरूर कमेंट करके बताएं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, सारी यहाँ पे सफाई कर दी है जी बाहर अपने बर्ड्स के सेटअप में जी, बाकी के अपने केजेस भी साफ कर दिए लगभग। और ये देखो जी, ये जब जैसे ही छोड़ो मुर्गा, अभी मैंने बंद किया हुआ था, ये दोनों जो है मैंने बंद कर रखे थे, बाहर निकलते ही लड़ना शुरू। चलो भाई साइड रह, चल चल चल, इनको अलग अलग ही रखना पड़ता है। देखो आज राजा भी बैठा हुआ है जी, साथ साथ खाना खा रहे हैं हमारे, ज्यादातर ये आपने साथ में नहीं देखे होंगे, तो ये इकट्ठे होकर खाना खा रहे हैं। राजा भी देख सकते हैं आप, हमारी छोटी सेना के साथ बड़े मजे से जी खा रहा है सब्जियां। पर मैं इसके लिए रोटी और वो सब लेकर आया हूँ जी अलग से, बैंटम पेयर को बंद कर रखा है, तो इसके बाद इसको अब शाम के वक्त जो है अंदर कर देंगे जी। तो यहाँ पे मैं कनक ले आया हूँ और दाना बना देते हैं जी इनका इकट्ठा। सारा मैं दाना ले आ चुका हूँ, दाने का सामान जी, तो ये मिक्स कर देंगे, डब्बे में रख दूंगा। और यहाँ पे इनके लिए, राजा के लिए रोटी लाया हूँ, पालक लाया हूँ, और सभी के लिए जी हरी सब्जियां भी हैं। तो शाम का वक्त ऐसा रहता है दोस्तों हमारे बर्ड्स के सेटअप में जी, तो व्लॉग में ज़्यादातर आपको सुबह ही दिखा पाता हूँ, बाकी जो है टर्न बाय टर्न बारी बारी से सबको खोलता हूँ। जैसा आपने देखा कि इससे पहले जो है जी कबूतरों को खोल रखा था और हमारे बैंटम पेयर जो बाहर घूम रहा था, तो अब ये सारे के सारे बंद करने का टाइम हो चुका है शाम का, तो इनको मैं अलग अलग करूंगा जी और बंद कर दूंगा, क्योंकि हमारी जो मुर्गी है आपको पता ही है कि जो मोरनी है वो नहीं आ रही है अपने अपने सेटअप से बाहर, अपने केज से बाहर नहीं आ रही है मोरनी। और वो देखो जी अभी भी पेटी में ही बैठी हुई है, तो ये अलग अलग इनको बंद कर देता हूँ, ये लड़ना शुरू कर देता है ये वाला हमारा असील मुर्गा जो है। चलो ही, चल 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 अंदर, चल अंदर। लो जी इसको कर देते हैं बंद ताकि ये ना करे परेशान इनको। तो अब छोटी सेना खा रही है जी, इनको और डाल देता हूँ मैं। लो जी राजा के लिए मैंने अलग से जो है सब्जियां भी ला रखी है पत्तेदार, और दाना भी है, रोटी भी है, राजा को वो दूंगा। चल भी राजा। तो ये जो है जी एक रोटी है और कुछ रोटी रोटी और साथ में जी पालक वगैरह, तो ये राजा के लिए रख दिया है, छोटी सेना जो है अंदर ना घुस जाए, राजा के केज में भी घुस जाती है और इसको जो है परेशान करती है। तो देखो जी हमारा राजा भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो राजा पहले बड़ा वीक सा हो गया था पर अब वापिस ठीक हो चुका है, देखो जी। तो ऐसा है जी हमारा राजा, बड़ा कम होता है कि हम इसको हाथ में पकड़े, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ इसके वाले अपने खाने में। चल भी राजा खा ले, चलो। बाकी ये देखो जी राजा खाना खाना शुरू हो चुका है, तो मैं शाम के वक्त जी पानी वगैरह बढ़िया से इसके पास रख देता हूँ, क्योंकि पूरे दिन भर हमारा राजा जो है इधर उधर ही घूमता रहता है। और अब जो है सूरज बिल्कुल ढल चुका है और मौसम जो है इस टाइम जाकर थोड़ा अच्छा होता है, तो इस वक्त जो है सारे बर्ड जो हमारे अच्छे से हैप्पी हैप्पी होकर अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। तो वीडियो बनाते बनाते ध्यान नहीं रहा कि अपने बैंटम मुर्गी भी हमारी देख सकते हैं जी, बाहर को देख रही है, तो इसको देते हैं जी खाने के लिए। लो जी एक हाथ से मेरा एक फोन भी है और एक हाथ से जरा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये देखो जी। और इन मुर्गियों को हमारे बिल्कुल भी चैन नहीं है, देखो वहाँ पे अपने भी खा चुके हैं ये सारे पत्ते वगैरह, सारी सब्जियां खा ली इन्होंने, और यहाँ पे इनके केज में भी जाने की कोशिश कर रही है, ये देखो। ए देखो जी अंदर ही घुस गई, नहीं चलो 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 चल 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 चल। इनका बड़ा मुश्किल होता है जिनसे कोई चीज बच पाए, और खासकर चावल बड़े पसंद करती है हमारी जो ये छोटी सेना है, और जो हरी पत्तेदार सब्जियां भी, ये देखो जी। तो चारों मुर्गियों में अब पता नहीं लग पाता कौन सी छोटी थी और कौन सी बड़ी थी दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, और बड़े सुंदर रंग आ चुके हैं इनके प्रॉपर। तो दोस्तों ये RIR ब्रीड है ये जो हमारी मुर्गियां हैं, और अंडे देने में बहुत ज्यादा इनकी जो है बोला जाता है कि काफी ज्यादा अंडे देने वाली ये ब्रीड होती है, स्पेशली अंडों के लिए ये मुर्गियां होती हैं दोस्तों। तो बाकी देखते हैं जी, अब आजकल जो है अंडे थोड़े कम आ रहे हैं इनके, दूसरे तीसरे दिन एक या दो अंडे मुश्किल से मिल पा रहे हैं, बाकी पता नहीं अब कि गर्मी का मौसम इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो बाकी जो है हम घर के खाने पे ज्यादातर इनको रखते हैं दोस्तों, बीच बीच में कनक दाना वगैरह डाल दिया, अदरवाइज चावल हो गया, कुछ हरा सब्जियां हो गई, जो कुछ हमारे पास अपना घर का होता है, और उसी माहौल में हम जो है इन मुर्गियों को अपनी पाल रहे हैं दोस्तों। अपनी मोरनी को कुड़क बिठाएंगे जब ये प्रॉपर बैठ जाएगी, मतलब ताकि अंडों पे से भी ना उठे बीच में से मुर्गी और अंडे ना खराब हो, तो इसलिए कन्फर्म करने के लिए एक दो दिन इसको हमने इस तरह से छोड़ा है, ये देख सकते हैं जी। तो मोरनी अब लगता है कि पूरी तरह से कुड़क हो चुकी है, तो कल इसके लिए भी अब करते हैं जी एक अलग से खाने में इसको भी बिठा देंगे, इसी वाले केज में इसको बिठा देंगे, क्योंकि यहीं पर ही अंडा देती थी और यहीं पर इसको हम जो है बिठाएंगे। ये था जी हमारा शाम का व्लॉग, इवनिंग का, आप लोगों को दिखाने थे हमारे सारे बर्ड्स, साफ सफाई भी हो चुकी है,
आज केजेस की भी सफाई कर दी है जी, अपने कबूतरों की भी। तो कई दिन बाद, क्योंकि साफ सफाई करने में मैं थोड़ा सा ढीला हूँ जी, ये सच्ची बात है, पर जो बर्ड्स की जो है साफ सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों का शौक कैसा चल रहा है आप लोग भी मुझे जरूर बताया करो दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी फैमिली है, और कोई सजेशन होता है तो वो भी आप लोग हमें दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानकार हैं जो जो पेट्स पालते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूँ इंटरनेट पे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे व्लॉग्स को आप लोग इतना प्यार करते हैं दोस्तों। तो बाकी मिलते हैं जी एक न्यू व्लॉग के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय।